सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरे सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए अगला टॉपिक अलंकार। अलंकार एंड अर्थ, जड़ा अलंकार शब्द है वो संस्कृत का शब्द है जो दो शब्दों के मेल नाल बनया है भाई, अलंग प्लस कार। आ देखो दो शब्दों के मेल नाल अलंग प्लस कार। अलंग का जो अर्थ है वह है भूषण गहने और कार का अर्थ है करने वाला। इन्हां दोहां शब्दों तो यह मिलकर बने हैं, अर्थात जो अलंकृत करे उसनू अलंकार कहा जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ गहने जेवर भूषण टूंबा सजावट सोज सिंगार तो लिया जाता है, जिहड़ी कि एक स्त्री है जो बई करती है श्रृंगार और श्रृंगार करने तो बाद वो वध सोहनी लगती है, इसीलिए हर स्त्री की खिच होती है श्रृंगार के प्रति। इसी तरीके नाल कविता नू भी श्रृंगारिया जाता है ताकि कविता भी वध सहज लगे सोहनी लगे। अलंकार तो भाव साज सजावट तो लिया जाता है, परंतु एक कविता उपर भारू नहीं होनी चाहिए। इवें ना हो कि आपां इन्नी वध वरतों हो जाए कि थोड़ा और जा लगे पई। अलंकार की वरतों तो इदा हो कि बहुत ही खूबसूरत बना दे कविता। कविता के भावों को प्रगट करने वाली होनी चाहिए है। भावें इस बारे कहता है कि अलंकार कविता के श्रृंगार लिए जरूरी है। अलंकार है जो कविता नूं सजावट श्रृंगार लई जरूरी है। दंडी कहता है कविता की शोभा वधाउण वाला तत् है उसनूं अलंकार कहिंदी है। एक कविता की शोभा वधा दिंदा है। वामन कहता है अलंकार करके ही कविता ग्रहण करने योग हुंदी है। कविता विच सौंदर्य दा ना ही अलंकार है। डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी कहिंदे ने अलंकार काव कला का अनोखा ते निराला ढंग है जो कवि बोलना दे शब्दों विच अद्भुत चमत्कार पैदा कर देता है ते कविता विच सोहज स्वाद का वाधा हो जाता है। संखेप रूप च अगर आप कही तो कविता की शोभा नूं वधाउण लई जिस नाल कि वह होर वध सोहनी लगे सहज लगे अद्भुत लगे कविता दे सहज विच वाधा हो जावे पई ओ है अलंकार पई। इहदे जिहड़े लक्षण है सरूप उस दे बारे आपां गल करिए। कवि अपनी काव्य रचनाओं विच अखरां वर्णा शब्दां वाकां ते मुहावरियां दे शब्द संयोजन नाल चमत्कारी सहज पैदा कर देता है। अते एह चमत्कार सहज कवि कई अर्थां और कई बार अर्थ पद्धर ते भी वापर जाता है। कई बार शब्द पत्थर ते वापरदा है, कई बार अर्थ पद्धर ते यह वापरदा है। और इन अखरां नाल वर्णां नाल शब्दां नाल वाक्यां नाल शब्द संयोजन दे नाल चमत्कार सहज पैदा हो जाता है जिस नाल पाठक जां स्रोते आनंदित हो उठते हैं। इन्हां सारियां कलात्मक युक्तां अते सोहज विधियां नूं अलंकार कहा जाता है। अलंकारां दे कुछ मंतव ने पई। अलंकार काव शोभा नूं वधाउंदा है, सोहज ते शोभा नूं वधावे गए। एक अलंकार काव नूं चमत्कारी ते प्रभावशाली बना दिंदा है ते अलंकार अर्थां विच स्पष्टता पैदा करता है। अलंकार कविता नूं सुआदला बना देता है। अलंकार बेअंत हन क्योंकि अलंकार कवि दे कटाक्ष व्यंग ते अदा करन दे कथन ढंग ही है। वह सहज सुआद पैदा कर देगा, चमत्कारी बना देगा, स्पष्टता ले आवेगा, सुआदला बना देगा। एक खासियत है अलंकारां दी। हुण गल करदे हैं अलंकारां दे वर्गीकरण दी। वर्गीकरण
वर्गीकरण शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, शब्दार्थ अलंकार। जरा शब्द तो संबंधित है शब्द अलंकार, अर्थ तो संबंधित है अर्थ अलंकार, और जरा शब्द ते अर्थ दोनों तो संबंधित हो गए वो है शब्दार्थ अलंकार। हुण पहले नूं आपां लैणे आ भाई शब्द अलंकार। जो अलंकार शब्दां दी सहायता नाल चमत्कार पैदा कर दे उसनूं शब्द अलंकार कहिंदे ने। इहदे विच शब्द ने वह महत्वपूर्ण ने, क्योंकि काव्य रचना विच जिहड़े शब्द या शब्दों द्वारा अलंकार की सिरजना की गई है, जेकर उन्होंने हटा दिता जाए तो अलंकार भी हट जाएगा। इसलिए शब्द अलंकार संबंधी शब्द या शब्द उपर ही आधारित हुंदा है। जो शब्द हटाता तो अलंकार भी हट गया, तो जिहड़ा शब्द अलंकार के उत्ते जिहड़ा अलंकार है वह शब्द तो संबंधित हुंदा है। जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक, सलेस, वक्रोक्ति, विपसा अलंकार। हुण अर्थ अलंकार, जो अर्थ तो संबंधित है, बस इसी नूं होर विस्तार च आपां कह लईए। अर्थ अलंकार कविता दे चमत्कारी अर्थां उपर आधारित है, जिवें उपमा, रूपक, अति कथनी, दृष्टांत, उल्लेख आदि अर्थ अलंकार है। शब्दार्थ अलंकार, यह अलंकार शब्द अते अर्थां दोहां उपर आधारित होण, वह शब्दार्थ अलंकार है। काव्य विच शब्द ते अर्थ इस तरह रलगड़ हो जाण कि उन्हां नूं वख वख नहीं किया जा सकता, तो वह शब्दार्थ अलंकार है। इहदे विच अतिशयोक्ति परक है, अतिशयोक्ति परक, प्रश्नोत्तर रूप, तुलनात्मक आदि शब्दार्थ अलंकार है। ठीक है जी। और जो अतिशयोक्ति अलंकार है, अति कथनी अलंकार है, वह अर्थ अलंकार है, और यह अतिशयोक्ति परक है। आ ध्यान रखो शब्दार्थ अलंकार। हुण अगर आप देखिए संखेप दे विच वर्गीकरण, शब्द तो संबंधित है शब्द अलंकार, अर्थ तो संबंधित है अर्थ अलंकार, और जो शब्द अर्थ दोवां तो संबंधित है तो शब्दार्थ अलंकार। हुण आप करते हाँ पहला अलंकार, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार साधारण अर्थ तो इहदे हैगे है जस, कीर्ति, वड्याई, प्रशंसा। भी किसी की उपमा करना, किसी का जस करना, कीर्ति, वड्याई, प्रशंसा करनी साधारण अर्थां दे विच। पर अलंकार के प्रसंग दे विच जिहड़ा उपमा है यह आम अर्थ नहीं है, सगों यह उपमा एक अलंकार का नाम है जिसका अर्थ है तुलना करना। जिसका अर्थ की है तुलना करना। उपमा ते उपमान की तुलना की जाती है, इस विच तुलनाया जाता है, फिर यह अलंकार होता है। होंद विच आता है जदों किसी चीज की तुलना उस नाल मिलती जुलती किसी चीज नाल की जाती है, उस विच सांझे गुण की समानता दसी जाए ता उपमा अलंकार आता है। दो समान गुणा वाली वस्तु नाल तुलना की जाए और उन्हां विच सांझा गुण होवे, वाचक शब्द होवे, तां उपमा अलंकार होवेगा। जिवें उस दा मुखड़ा चंद वर्गा सोहना है, उस दा मुखड़ा चन्न वर्गा सोहना है। हुण वेखो भाई मुखड़े की तुलना की है चन्न दे नाल, इस मुखड़े की तुलना की है चन्न दे नाल की है। उपमा जिहड़ी दित्ती है वह चन्न दित्ता है, भाई मुखड़ा की है चन्न वर्गा है, मुखड़ा चन्न वर्गा सोहना है, तो मुखड़े की उपमा की है चन्न नाल। और वर्गा है जेड़ा, जेड़ा वर्गा है यह है वाचक शब्द, टाकरे लिए वरत्या गया है, टक्कर देने लिए वरत्या गया है भाई। और सोहना, सोहना गुण है भाई, सोहना की है गुण है, जो सांझा गुण है। मुखड़ा भी सोहना है ते चन्न भी सोहना है, यानी कि दोनों दे विच आ सोहना है जेड़ा वो सांझा गुण है। जिथे आ चीजा होणगियां उत्थे उपमा अलंकार होवेगा।
उपमा अलंकार का जे आप संखेप दे विच समझ लीए तो सिर्फ इन्नी जी गल कि उपमा की जाती है, बस उपमा की जाती है। जिवें इत्थे मुखड़े की उपमा की है चन्न दे नाल, मुख की गल है जिहड़ी, स्वीट एंड सोट संखेप दे विच उपमा जिथे हो गई उथे में उथे उपमा अलंकार होगा, परंतु उन्हें सांझा गुण भी होना चाहिए है, वर्गा वाचक शब्द है जेड़ा वो भी होना चाहिए है। अगे देखांगे कईयां विच नहीं होंदा, फिर भी वो उपमा अलंकार होंदा है। अगे इहदे भेद दे विच चर्चा करांगे, परंतु एक बार शुरुआत करदे हां भाई। हुण हैगे उपमा अलंकार दे अंदर तत्त किवें आ गए, जदों आपां नूं इह पता लग गया भाई इस दे अंदर तत्त आ चुके ने, चार तत्त है उपमा अलंकार दे, जिस विच जिहड़ा पहला है उपमेय। उपमेय होंदा है जिस दी उपमा कीती जावे, जिंदी उपमा कीती जावे, जिहड़ा मैन है भैया मैन, जिंदी उपमा कीती जा रही है ओ की है उपमेय है। एन दे विच मुखड़ा है, जिहड़ा मुखड़ा की है उपमेय है। और जिस नाल तुलना कीती जावे, जिस नाल तुलना कीती जावे भाई, जिस नाल उपमा कीती जावे ओ की होवेगा उपमान होवेगा, उपमान होवेगा। यानी इत मुखड़े की जो उपमा है, मुखड़े की जो उपमा दिती है, मुखड़े नूं चन्न दिती है, उपमा तो याद रख लियो उपमान भाई, उपमा तो याद रख लियो उपमान। ते उपमान जिस नाल, जिस नाल उपमा कीती जावे ओ उपमान है, और जिस दी उपमा कीती जावे, जिस दी उपमा कीती जावे ओ उपमेय है। ते इत्थे आ जिहड़ा मुखड़िया हैगा है ओ उपमेय है, और उपमान है जिहड़ा ओ चन्न है, क्योंकि चन्न नाल उपमा कीती है, चन्न नाल उपमा कीती है। उपमा इस कारण लिखता भी तुहानूं उपमान है जिहड़ा ओ याद रहे, इन्हू थोड़ा हल्का लिख देने उपमान याद रहे। हुण की है सांझा गुण, दोनों विच ही सांझा गुण सोहना है, दोनों विच भी सांझा गुण सोहना है भाई। आलो वाचक शब्द, टाकरे लई जिहड़ा शब्द वरते है, टाकरे लई शब्द वरते है वर्गा, वर्गा शब्द वरतिया है, ते इसलिए यह है वाचक शब्द। हुण आपां इसे नूं दोबारा समझ लेना भाई, उपमा की है उपमान की है। उपमेय जिस चीज दी तुलना कीती जावे या उपमा कीती जावे ओ उपमेय हैगा है, उपमेय। जिस नाल उपमा कीती जावे ओ उपमान है। सांझा गुण जेड़ा दोनों विच गुण सांझा है ओ सांझा गुण है भाई, जिवें इत्थे सोहना है कोई भी आ सकदा है। वाचक ओ शब्द जेड़े टाकरा करन लई जा उपमा नूं प्रगट करदे ने, ओ जिवें वर्गा सरगा वांग जिहा, इह जेड़े शब्द ने वाचक शब्द ने। हुण जे आपां इहदी परिभाषा देनी होवे तां आपां इस तरीके नाल दे सकदे हां, जिथे उपमाउण योग वस्तु दी किसे होर मिलदी जुलदी वस्तु नाल सांझे गुणा दी समानता दसी जावे। ਅੰਧਿਆਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਸਾਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੂਗੀ ਉਪਮਾ ਮਤਲਬ ਉਪਮਾ, ਬਸ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸਹਿਦ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋ ਬਈ, ਕਿਹੜਾ उपमान है, केड़ा उपमेय है, सांझा है, वाचक शब्द है। जेडे भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या कुछ भी दिमाग चलता रहे भाई, मैंने लिख रहे तुसी चलाओ भाई, केड़ा उपमेय है, केड़ा उपमान है, केड़ा सांझा गुण है, की है। उस दे बोल शहद वर्गे मिठे हैं, लो जी हुण की है कि इस दे अंदर उपमेय केड़ा है, जिस दी उपमा कीती है, उपमेय कौन है, उपमेय हैगा है बोल, उस दे बोल, ते बोल कर लेने भाई, उस दे बोल, बोल है जो वो उपमेय हैगा है। शहद वर्गे तुलना किस नाल कीती है, शहद नाल कीती है, उपमा
बोलना नु उपमा दिती है शहद दी, तो उपमान की हो गया जी, उपमान हो गया शहद, उपमान की हो गया शहद हो गया। और सांझा गुण है मिठे, बोल भी मिठे ने और शहद भी मिठा है, आलू जी मिठे, ये सांझा गुण है, दोनों में सांझा है। और वाचक शब्द ताकरे लई शब्द वरत्या है वर्गा, लो जी इत्थे लिखिया होया, पहले विच भी वर्गा इस विच भी वर्गा वाले। हुण एक होर सत्तर लिख दे ताकि तुसी मेहर हो जाओ, मैं सत्तर लिख रहे और तुसी उपमेय उपमान सांझा गुण ते वाचक गुण इस बारे सोचना है भाई। कणक सोने वांग चमकदी है, लो जी कणक सोने वांग चमकदी है। हुण इस विच जिस दी उपमा की जा रही है, उपमेय मैन जिहड़ा मुख है, जिहड़ा मुख पात्र कह लो मुख है जिहड़ा, वह की है कणक, की है कणक, यह है उपमेय, कणक उपमेय है जिस दी उपमा की जा रही है। और इस दी उपमा किस नाल की जा रही है, किस नाल की जाती है, जिस नाल की जाए, सोने नाल की जा रही है, सोने नाल की जा रही है, तो यह है उपमान, यह की है जी उपमान है। और इन दोनों का सांझा गुण भाई कणक और सोने का, कणक भी चमकती है और सोना भी चमकता है, यह चमकता है जिहड़ा, वह सांझा गुण है भाई, दोनों में सांझा है। वाचक शब्द है वांग, वाचक शब्द है वांग भाई, इथों आपां पता लग जाएगा कि यह जिहड़ा है उपमा अलंकार है, इस विच उपमा की गल की गई है और उस विच उपमेय उपमान सांझा गुण, ठीक है, वाचक शब्द जिहड़े तत् है वह आने चाहिए है। हुण आपां गल करिए, होर उदाहरण लै लैने हैं भाई, सोना देश अंदर देश पंजाब नहीं सही हो, जिवें फुल्लां अंदर फुल गुलाब नहीं सही हो, सोना देश अंदर देश पंजाब नहीं सही हो। हुण इत्थे उपमेय कौन है भाई, पंजाब, पंजाब नहीं सही हो उपमेय है, उपमान उहदी तुलना किसने की गई है, सोना देश अंदर देश पंजाब नहीं सही हो जिवें फुल्लां अंदर फुल गुलाब, गुलाब दे फुल नाल उपमा की गई है। और सांझा गुण सोना, गुलाब दा फुल भी सोना है और पंजाब भी सोना है, दोनों ही सोने ने, सांझा गुण है सोना। और जिहड़ा वाचक शब्द है वह जिवें, वाचक शब्द है जिवें फुल्लां अंदर फुल गुलाब नहीं सही हो, जिवें वाचक शब्द है। एक होर बई, चांदी वर्गा रंग है गोरा, सोने वर्गे वाल सुनहरी, एक लै लेने हैं, चांदी वर्गा रंग है गोरा, चांदी वर्गा रंग है गोरा। हुण इसते भी गौर करो भाई, इसते गौर करो, चांदी वर्गा रंग है गोरा, तो इस विच की है कि उपमेय की है, रंग है भाई, उपमेय रंग है, और रंग किहो जिहा है, रंग है चांदी वर्गा, उपमेय की जा है चांदी वर्गा, चांदी नाल इंदी उपमा की गई है, तो उपमान चांदी है। दोनों में सांझा गुण की है, दोनों ही गोरे ने, दोनों ही गोरे ने, सांझा गुण। और आ की है वाचक शब्द, वाचक शब्द है भाई ऐसा, सोने वर्गे वाल सुनहरी, सोने वर्गे वाल सुनहरी, हुण वाल है जो, लो जी अगला होर कर देने, सोने वर्गे वाल सुनहरी, ठीक है जी। हुण इस विच आपां नूं वेखना है भाई की हैगा है सिस्टम, तां वाल है भाई, वाल, वाल है जिहड़ा वह उपमेय हैगा है, वाल की है उपमेय है, और इस दी उपमा है जो किस नाल की गई है, सोने नाल की गई है, सोने नाल की गई है। और वाचक शब्द है वर्गा, और सांझा गुण है
सुनहरी, दोनों ही सुनहरी ने। एक बंद होर ले लें नी, अज कोई आया साढ़े वेड़े, तक्कण चन्न सूरज टुक टुक नेड़े, लसे नी उंदा मत्था तारियां वांगू, लसे नी उंदा मत्था तारियां वांगू, आया नी खोरे अंबर कुम कुम केड़े। तो इस विच दसना सी बई केड़ा अलंकार है, इस विच है उपमा अलंकार, लसे नी उंदा मत्था तारियां वांगू। कविता आ गई और कविता पढ़ के तुहानू दसना होवे बई इहदे च किहड़ा अलंकार है, उपमा अलंकार है बई, लसे नहीं आउंदा मत्था तारियां वांगू। ठीक है जी, हुण की है कि इत्थे जिहड़ा उपमेय है वह है मत्था। उपमेय की है बई, मत्था है, और इस मत्थे नूं किस नाल तुलना की गई है, किस मत्थे मत्थे की तुलना की गई है बई, मत्थे की तुलना की गई है तारियां नाल, मत्थे की तुलना किस नाल की है तारियां नाल। यह उपमा है, उपमान, उपमान है। और सांझा गुण की है, सांझा गुण है वांगू, सांझा गुण वाचक शब्द, वाचक शब्द है वांगू वर्गा, जिवें एक ही है वाचक शब्द है पई इसके अंदर। और लसे मन है लिस्कना, लसे मन है लिस्कना, और यह सांझा गुण है, सांझा लसे नहीं होता मत्था तारिया वांगू। हुण की है कविता तो इस तरीके सी नहीं, अज कोई आया साडे वेड़े, तक्कण चन्न सूरज टुक टुक नेड़े, लसे नहीं होता मत्था तारिया वांगू, आया नहीं खोरे अंबर घुम घुम केड़े। तो इतने की है कि आपां नूं थोड़ा देख के अंदाजा लाना पूगा भाई किहड़ा अलंकार है। उपमा आपां 70 कर ली, 70 दे ताल दे सामने विश्लेषण कर लिया, उस तो बाद आपां नूं पता लग गया भाई कि मत्था उपमेय है, लसे जिहड़ा है चमकना सांझा गुण है, और तारे है उपमान है, और वांग है जिहड़ा वह वाचक शब्द है। तो आपां नूं पता लग गया कि यह जिहड़ा है उपमा अलंकार है। हुण आपां जे गां गल करिए भाई उपमा अलंकार दीआं किस्मां, इस दीआं किस्मां इहदीआं भैया जेड़े है पांच प्रकार दीआं किस्मां ने। आ पांच किस्मां ने, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, माल जां बहु उपमा, रसन उपमा, संगली उपमा भी कहिंदे जिसनूं, रसन उपमा, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, यह पांच की कहिंदे रूप है। पहली गल तां देखो जे रीट की गल की जाए तो गल इत्थे ही खत्म हो जाएगी, उपमा अलंकार तक ही बस। और जे सैकंड ग्रेड की गल की जाए, उन्होंने सखे स्पेशल ब्रैकेट दे के आ गल कही है, अर्थ परिभाषा ते प्रकार, प्रकारां दी भी गल की है, तो की पता वो थोड़ा जा टफ अगर पेपर आता है तो वह उपमा अलंकार के अनुप्रास अलंकार जे अगे प्रकार है उन्हां दी गल छेड़ लवे। बड़ा ही सौखा जहा है, लगातार किन्ने ही एग्जाम्पल तुहानूं दित्ते आ, उपमा समझ आ गया होना तुहानूं, और इस तों गांह भी बिल्कुल सरल सरल है, बस जिथे उपमा है उत्थे उपमान अलंकार है, उपमान है, उपमेय उपमान है उत्थे, और सांझा गुण है। आपां देख लिया उपमा अलंकार, क्योंकि बाकी जिहड़े अपने ध्यान च आ सकदे है वह अपने सिलेबस के अंदर ही नहीं है। तो एवें उपमे उपमान नूं तुलाया तो कई होर भी अलंकारां दे विच गए है, पर आपां नूं उस तों डरन की लोड़ नहीं, सिर्फ आपां नूं आ चीज़ समझनी है, क्योंकि आ अलंकार है जो अपने सिलेबस के अंदर है। जैसे उपमा अलंकार हो गया, दृष्टांत हो गया, अति कथनी हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, गिणती दे अलंकार ने, और इन्हां नूं आपां चंगी तरह गौर रखना है। इसी संदर्भ च की कहिंदे कि आपां उपमे उपमान की गल कर रहे हैं, जे होर भी होंदे फिर तुलनात्मक अध्ययन करके तुहानूं दस देंदे, परंतु तुसीं इत्थे एक गल ध्यान रखियो उपमा दी, जिथे उपमा आवे उत्थे उपमा अलंकार है, क्योंकि होर उपमा तो संबंधित अपने सिलेबस के अंदर ही नहीं है, मुख दी गल। हुण किस्मां दी गल करिए, पहली किस्म पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा का मतलब जिंदे विच चारों तत्त मौजूद हो, उपमे भी होवे, उपमान भी होवे, धर्म जिन्हों की गुण आखते ने वह भी होवे, वाचक शब्द भी होवे,
चारों चारों जिन गुण विद्वान है वो है पूरन उपमा, क्योंकि पूर्ण हैगी है, चारों तत्व मौजूद ने, पूरे के पूरे तत्व मौजूद ने। जो पूरे के पूरे तत्व मौजूद है तो पूरन उपमा है भाई। जिमें आ रहा आ लिखा लसे नहीं आंदा मथा तारिया वांगू। देखो जी उपमान भी है, उपमे भी है, वाचक भी है, सांझा गुण भी है भाई। उत्ते जिन्हें भी एग्जाम्पल लिते सी हजे तक, जिन्हें भी एग्जाम्पल आप अज तक समझे सी, उन्होंने चारों गुण सीगे भाई, चारों गुण सी मतलब पूरन उपमा सी, पूरन उपमा सीगी भाई। उसका मुखड़ा सेब वर्गा लाल है, उसका मुखड़ा चारों गुण भैया, चारों गुणा से जिंदे तक मैं लिख रहे, चारा गुणा तो फटाफट कैलकुलेट होने चाहिए। आ उपमय, आ उपमान है, असांझा गुण है, वाचक है। उसका मुखड़ा सेब वर्गा लाल है, हां जी मुखड़ा एक ही है, उपमेय है मुखड़ा हैगा है उपमेय, और सेब सेब नाल उपमा कीती है, सेब उपमा है जी। वर्गा है जो वाचक शब्द है, लाल है जो सांझा गुण है भाई। मुखड़ा भी लाल है ते सेब भी लाल है, सांझा गुण है, चारों तत्व मौजूद है भाई। उपमेय उपमा उपमान वाचक ते सांझा गुण पूर्ण उपमा है। कद सरू सम लंबा, कद सरू सम लंबा, यानी कद सरू वर्गा लंबा है, कद जवारतक च बदल दिए, कद सरू वर्गा लंबा है ते कद सरू सम लंबा। हुण इत्थे की है जी, इत्थे आपां नूं वेखणा है भाई जिहड़ा उपमेय है वह की है, कद है, कद की है उपमेय है भाई। सरू है जिहड़ा, सरू का बूटा लंबा होंदा है, कद भी लंबा है, यह उपमान है भाई। ठीक है, सम है जो वाचक है, लंबा है जिहड़ा वह सांझा गुण है। सरू का बूटा भी लंबा होंदा है, उसका कद कद भी लंबा है, सरू है जिहड़ा वह भी लंबा है और कद भी लंबा है, यह लंबा है जिहड़ा वह सांझा गुण है। और सम है जो समान है भाई, यह वाचक शब्द है, कद उपमेय ते उपमान चारों आगे, मतलब आप गल समझ गए, पूरन उपमा है। चांदी वर्गा रंग है गोरा, ये आप दोबारा समझावांगे नहीं, लिख दिने हैं, चांदी वर्गा रंग है गोरा, हिरनी जैसी चाल वगैरह ये वो, अगे पूरा का पूरा उपमा अलंकार भरिया होया गाना, गाने राही भी तुसी देख सकते हो भाई, गाणियां दे विच बहुत है, जो भी तुसी गाना देखो तो उस दे विच उपमा बड़ियां कीतियां जांदियां है भाई। तू ये जी लगदी, तू वो जी लगदी, फलाने वर्गी सोहनी लगदी, टमकाने वर्गी सोहनी लगदी, एक ही है उपमा अलंकार ही है, उपमा अलंकार की वरतों की जाती है। वख वख जिहड़ा जो गाना चलता है या जिहड़ा गाना चलता है उस विच तुसी वेख रहे होंगे, कोई भी गाना सुन लियो भाई, व्यवहारकता दी हुण की है कि आप व्यवहारकता च भी तो लैके आवेंगे, व्यवहारकता जो चीज लैके आवेंगे, हुण गाने तो आने नहीं, इस कारण की कहते गाने सुना ही नहीं, तो आप करना है गाणियां विच आप वेख रहे हैं भाई, एक दो कलाकार है वह एक्टिंग कर रहे हैं, तो एक कलाकार है दूजे कलाकार की तारीफ लिख कर रहा है भाई, तेरे हाथ ए जे है, तेरा रंग ए जा है, तेरिया अखा ए जिया है, तेरी चाल हिरनी वर्गी है, चाल हिरनी वर्गी है, इस तरीके करता है, उपमावां देंदा है, टोटल दियां टोटल उपमावां देंदा है, गाने दे विच उपमा की वरतों की जाती है, तो वह की है उपमा अलंकार है। थोड़ा जिहा गौर करोगे तो तुहानूं पता लग जूगा भाई, इस बंदे ने उपमा अलंकार का सोहना प्रयोग किया, जिवें काका एक सीगा पिछे चलिया सीगा गायक कलाकार, और अनुप्रास अलंकार का बहुत वधिया वरतों करता है, तो उस कारण काफ़ी वह चढ़िया, अनुप्रास अलंकार करावांगे तो गल करांगे उस बारे, तो होर तुसीं कोई भी गाना चक के देखोगे तो उन्हें तुसीं देखोगे अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार है जो अति कथनी अलंकार है, इन्हां दी वरतों हुंदी है भाई। हुण वह तो व्यवहारिक गल है, क्योंकि उस पेपर के अंदर नहीं आने, पेपर अंदर की अजे साहित्यक भाषा आएगी, क्योंकि उन्होंने मास्टर बनाना है, कोई कलाकार नहीं थी। तो इस विच आपां देखते हैं कि सारे जिहड़े चारों के चारों तत्व मौजूद ने, जदों चारों तत्व मौजूद होण
उपमा अलंकार, पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा। और लुप्त उपमा कोई एक तत्व ना हो तो लुप्त है बस। हुण आपां नूं आ गल समझ आ गई, अगे प्रकारां च आपां नूं दिक्कत नहीं है, प्रकार बहुत सौखे है। आ गल समझाई है बहुत सौखी सीगी, इस तों अगे प्रकार उस तों भी सौखे है। बस पंज प्रकार है, अगला है लुप्त उपमा, मतलब हुण उपमा है जिहड़ी कोई एक तत्व लुप्त हो गया, कोई एक तत्व है जिहड़ा उह लुप्त हो गया। जदों कोई भी एक तत्व लुप्त हो जाए तां लुप्त उपमा है बई, लुप्त उपमा है। जब इस दे अंदर उसदा मुखड़ा सेब वर्गा है, उसका मुखड़ा सेब वर्गा है, लो जी एंड लाल गायब हो गया, लाल सांझा गुण गायब हो गया, हुण लुप्त उपमा रह गई, हुण लुप्त उपमा रह गई। अगला कद सरू सम लंबा, कद सरू सम, बस कद सरू सम कर देंगे, कद सरू सम, बस कद सरू वर्गा है, लंबा गायब हो गया, लुप्त उपमा। कोई एक तत् गैब हो सकता है और कोई एक तत् गैब होने तो बाद नहीं की कहते उपमा अगर नजर आ रही है, नजर आ रही है तो लुप्त उपमा है। आपां नूं कोई दिक्कत नहीं आने लगी, दिक्कत इस कारण नहीं आने लगी क्योंकि अपने सिलेबस बाकी है ही नहीं भाई, आप कंफ्यूज होइए तो इस कारण कंफ्यूज होने की लड़ ही नहीं, अपने है ही उपमा, उस विचों आप छाटना है, बस दूजे चक्कर आप पैना ही नहीं। अगे चांदी वर्गा रंग है गोरा हटाता, बी गोरा हटाता, चांदी वर्गा रंग है गोरा हट गया, सांझा गुण हट गया, एक तत् है गायब हो गया। जो एक तत् गायब हो जाए, कोई भी एक तत् लुप्त हो जाए तो लुप्त उपमा अलंकार है, फिर की है लुप्त उपमा अलंकार है भाई। हुण उस तो अगे गल करिए माल उपमा, माल उपमा का अर्थ है बहु उपमा भाई, किसी नूं भी एक तो वध उपमा दे दिए भाई, एक तो वध उपमा दे दिए बस, बहु उपमा है कोई खास गल नहीं। जिथे एक उपमेय दी एक उपमेय लई बहुत सारे उपमान हो जान उस नूं बहु उपमा कहिंदे है, माल उपमा कहिंदे है। बहु उपमा मतलब एक तो वध उपमावां दे रखियां होई, मुख खिड़िया वांग गुलाब दे सोहना जीकर चंद। लो जी देखो मुख खिड़िया वांग गुलाब दी, और एक उपमा तो आ देती गुलाब दी भैया, गुलाब देती, और दूजा सोना जीकर चंद, सोना जीकर चंद। लो जुदी उपमा चंद दी देती, पहली गुलाब दी देती, एक तो वध उपमावां देतियां, एक तो वध उपमावां देतियां। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਲਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਾਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਉਪਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲ ਉਪਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲ ਦਿੰਦਾ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਈ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁ ਉਪਮਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਬਹੁ ਉਪਮਾ ਤੇ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਹੁ ਉਪਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਲ ਉਪਮਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਪਮੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਪਮਾਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਲ ਉਪਮਾ। ਹੁਣ ਰਸਨ ਉਪਮਾ ਬਈ, ਰਸਨ ਉਪਮਾ ਜਾਂ ਸੰਗਲੀ ਸੰਗਲੀਵਤ ਉਪਮਾ ਬਈ, ਰਸਨਵਤ ਰਸਨ ਉਪਮਾ ਜਾਂ ਸੰਗਲੀਵਤ ਉਪਮਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗਲੀ ਹੈ ਬਈ, ਸੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਪਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉਪਮੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਾ ਉਪਮਾਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਾ ਉਪਮਾਨ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਉਪਮੇ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਦਾ ਉਪਮਾਨ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਦੇ ਉਪਮੇ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਾ ਉਪਮਾਨ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਸੰਗਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਰਸਨ ਉਪਮਾ ਜਾਂ ਸੰਗਲੀਵਤ ਉਪਮਾ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਰ ਗਜਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ, ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਰ ਗਜਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤਾ ਸ਼ੇਰ ਸੰਘੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਆ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਹੈ ਸੰਘੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਈ,
फिर अगे चला गया, यह तो हम शेर की गल है। शेर कह जे संडे के आकार दे है, और संडा संडे भी वह हाथ ही, हम आ संडे की करता, संडे वो भी हाथी। हम इतने की है उपमे, यह हो गया हाथी उपमान हो गया बी, इन की वीर गजदे सी शेर वांगी, इतने उपमे सी शेर उपमान सी, फिर अगे की चला गया संगली परोती, अगे च शेर उपमे हो गया ते संडा जरा सी उपमान हो गया, फिर उस तो गां चला गया आ जरा संडा है हुण उपमे हो गया ते इन हाथी ना उपमा देती, हाथी की हो गया उपमान हो गया। शेर भी वह हाथी वांग वड्डे वड्डे, हुण हाथी भी आ गई, हाथी भी ने वांगरा पहाड़ दे। अगे फिर आ गया हाथी भी ने वांगरा पहाड़ दे, यानी संगली च परोता अगे तो अगे उपमे उपमान उपमे उपमान उपमे उपमान, फिर उपमे उपमान, फिर उपमान उपमे बन गया, फिर उनकी उपमा, फिर उपमे उपमान बन गया, फिर उसकी उपमा। देखो एक बार होर बई, वीर गजदे ने शेर वांग, इत शेर उपमान है, हम शेर उपमे बन गया, शेर संडे के आकार दे, संडे उपमान है, हम अगले च संडे ओ हाथियों वर्गे वड्डे वड्डे, हम हाथी उपमान है और संडे उपमे, हम हाथी भी वांगरा पहाड़ दे, हाथी भी वांगरा पहाड़ दे, हम हाथी उपमे है उपमान पहाड़ है, संगली च परोता बई, संगली विच परोता। और माल उपमा बहुत उप बहु उपमा आती, तबीर वीर गजदे ने शेरा वांग, बब्बर शेरा वांग, सौंडिया वांग, मतलब बहु उपमा देती, बहु उपमा एक तो वद उपमा देती, उपमे एक ही होए और उसने जेडे उपमान है वह एक तो वद होने तां बहु उपमा। और जे संगली दे विच परोया होवे, जमीन दे विच संगली च परो रखे, अगे तो अगे संगली बद चल रहे हैं तां संगली उपमा। बस हुण अगला अगला उस तो भी सर लै, उपमे उपमान जदों की होवे, एक उपमा दे उपमान नूं दूजी दा उपमान ते उपमा नूं उपमे बन जावे। मैं पहली बार उपमे उपमान है, दूजे च की होया उल्ट गया, दूजे च उल्ट गया, जिवें है गोबिंद सम गुर जाण, गोबिंद गुरु सम जाण, लो जी उपमे उपमान बन जे, उपमा उपमे उपमान बन जे और उपमान उपमे बन जे, मुख दी गल गोबिंद सम गुर जाण, गोबिंद सम गुरु जाण भाई। और अगली बार की किता गोविंद गुरु सम जानी, गोविंद गुरु सम जानी है भाई। हुण की है गोविंद सम गुरु जान, गोविंद है गुरु दे समान है, गोविंद है जो गुरु दे समान है भाई। अगले च की कहता गुरु है वो गोविंद दे समान है, गोविंद गुरु दे समान है, और अगले च कहता गुरु गोविंद दे समान है। हुण इहदे विच की हो गया कि जिथे इत्थे गोविंद सम गुरु जान, इत्थे ए उपमे सीगा ते गुरु उपमान सीगा, ए उपमे सी ते गुरु उपमान सी, परंतु अगले विच की होया, अगले विच की होया गोविंद गुरु समझाणी है, गुरु है जेड़ा ओ उपमे हो गया ते गोविंद उपमान हो गया। जदों ये अल्टा पलटी हो जावे तां समझ लियो कि ओ उपमे उपमान, उपमे उपमान है गए पे, जिथे एक उपमा दे उपमे नू, एक उपमा दे एस उपमा दे एंदे उपमा दे उपमे नू गोविंद, एक उपमा दे उपमे नू दूजी दा उपमान, दूजी दा उपमान बनाता बनाता जी, और फिर दूजी दे उपमे और उपमान नू उपमे बनाता, फोरता, बस आ ही गल है। पहले वाक च की होगा, संखेप रूप जे कहां मैं, पहले वाक दे अंदर जेड़ा उपमे है दूजे च उपमान बन जूगा, पहले वाक दे अंदर जेड़ा उपमान है दूजे च उपमे बन जूगा, इन्नी जी गल है, बस बदल जाणगे भाई, बदल जाणगे, ये की है उपमे उपमान है। हुण आपां जेड़ा ये कीता है भाई,
उपमा अलंकार, उपमा अलंकार उपमा तो संबंधित है, चार तत्व है भाई, उपमे उपमान सांझा गुण ते वाचक शब्द। उपमे जिस दी उपमा की जाए, उपमान उपमा भाई, उपमा तो उपमान बने, जिस नाल उपमा की जाए, सांझा गुण धर्म जिहड़ा सांझा वाचक शब्द टाकरे लई जो वांगर वांग वर्गा सरगा जो मर्जी लग जाए। हुण इहदे की है जिहा किस्मा अगे पूरन उपमा जिस चारों तत्व है, चारों तत्व मौजूद ने, पूरन उपमा लुप्त जिस च एक कोई एक तत्व लुप्त हो गया, लुप्त उपमा बहु उपमा जिस विच एक तो वध उपमावां ने, बहु उपमा और रसन उपमा लड़ी संगली संगली जिस विच संगली है भाई, संगल वेखणी है मझ नूं बन वाली, ओवें बस उपमा अलंकार बन दिओ भाई, एक लड़ी नाल दूजी, दूजी नाल तीजी, तीजी नाल चौथी, लड़ी बद्ध है, लड़ी 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 आ ध्यान रखियो, संगली संगली दे विच है। उपमे उपमान शब्द तो ही देखो पता लग रहा है, उपमे उपमान उपमान उपमे उपमे उपमान उपमान उपमे, मतलब ये एक दूजे च वापस बदल जाए, पहली सत्र च जो आया दूजी सत्र च उस दे बदल जाए तो उपमे उपमान है। पहली गल तो इत्थे तक ही सर जूगा अपना, किस्मा तक लोड़ पैनी नहीं, क्योंकि जिहड़ा सेकेंडरी पद्धर है वह इत्थे तक ही रहना चाहिए, जे वह अगे चला गया तो भाई आप गांह तक चक्कर लाया है और गलत नहीं होने लग गया, सरल जा सीगा बस, कोई इन्हें लंबा चौड़ा काम है ही नहीं सीगा। हुण आपां एक होर अलंकार लैने, फिर शाम नूं दो अलंकार कर लेंगे। हुण है जी दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत जिथे भी दो वाकां विच आए उपमे अते उपमान दे गुणा दा बिंब प्रतिबिंब भाव होवे, बिंब प्रतिबिंब भाव होवे उत्थे दृष्टांत अलंकार होंदा है, दृष्टांत दृश्य जो उभर जावे, ठीक है। वैसे समझाने लई दस दिना क्योंकि उदाहरण उदाहरण अलंकार अपने है ही, बस जिथे तुसी देखो ना उदाहरण है उत्थे दृष्टांत अलंकार होवेगा, क्योंकि अपने सिलेबस नहीं, सिर्फ समझाने लई दस्या, जे सिलेबस हुंदा तो फिर गल अड हो जाती पई, क्योंकि हुण गिणवे अलंकार है इस कारण दृष्टांत अलंकार जिथे समझाने लई दस रहा उदाहरण दे के समझाया हो, उदाहरण दे के समझाया हो। हुण दृष्टांत नूं समझदे हां, दृष्टांत नूं समझदे हां, सब तो पहला एक उदाहरण नाल भाई एक सीन क्रिएट करियो भाई, सीन क्रिएट करियो, पहला भी मैं करवाया सी इसनूं दोबारा क्रिएट करो, क्योंकि सीन जो तुसी क्रिएट कर लोगे ना फिर आप उसनों अपने सीने में उतार लिया, दिलो दिमाग से उछा गया हुण ही निकलदा। झंडे निकले कूच का हुक्म होया, चढ़े सूरमे सिंह दलेर मियां, शाह मुहम्मद का जंगनामा सिंघा ते फिरंगियां। झंडे निकले कूच का हुक्म होया, चढ़े सूरमे सिंह दलेर मियां, चढ़े पुत सरदारां दे छेल बन छैल बांके, जिवें बेलों निकलदे शेर मियां। दृष्टांत देखो हुण इहदा अर्थ मैं समझा दिंदा, पहला भी समझाया सी बई झंडे लैके निकल चुके हैं, सिंघां ते फिरंगियां की लड़ाई हुई है और सिंह है जिहड़े वह झंडे निकल के उन्होंने कूच का हुक्म हो गया बई तैयार बर तैयार ने, और दलेर सूरमे है जिहड़े वह झंडे निकल के लैके निकल गए ने, वह कैवें लग रहे हैं। हुण अगे दृष्टांत देखो किवें लग रहे हैं, चढ़े पुत सरदारां दे छैल बांके, जिवें बेलों निकलदे शेर दीआं। हुण वह जिहड़े पुत सरदारां दे इदां निकल रहे हैं जिवें शेर निकल रहे हैं जंगल दे विच। हुण तुहाडे सामने एक सीन जिहा क्रिएट हो गया, दृष्टांत पेश करता मैं, दृष्टांत दृश्य दृश्य पेश करता, जे तुसीं उहनूं किते जहन च उतारे है तां तुहाडे दिमाग च एक सीन जिहा बणिया होणा। पहला बई सिंघां दी फौज निकल रही है, वह इवें लग रही है जिवें कि बेले दे विचों शेर बब्बर शेर निकल रहे होण बई। हाँ बई सीन क्रिएट होया कि नहीं, ओके SMS करो बई, ठीक है। इस तरीके नाल जिथे बिंब प्रतिबिंब का भाव होवे, बिंब प्रतिबिंब का भाव होवे उत्थे दृष्टांत अलंकार है भाई। जिस तरह शीशे विच अक्स जा प्रतिबिंब पैदा होता है, शीशा देखते हैं आप, शीशे सामने अक्स पैदा हो जाता है, हो जाता है, और कई बार फिल्मों च भी तुसीं देखिया होना एकदम बंदा एवं दहाड़दा जोर दी
फिर वो बिचों शेर का ही आवाज आवाज कटती है, शेर की आवाज कटते और शेर का फिर वो चेहरा दिखा देंगे। वो एक दृष्टांत, जो उसी चीज लिखना हो जो उ चीज लिखत जाऊगी तो दृष्टांत अलंकार आ जाऊगा। वो चीज आप वेखी सी जो लिखत जाएगी तो दृष्टांत अलंकार आ जाएगा। जिस तरह शिष्य अपना अक्ष या प्रतिबिंब पैदा होता है, उस प्रतिबिंब का असली बिंब है जिहड़ा उस नालों फर्क होता है भाई, पर अत्यंत समानता करके उन्हां दी एक रूपता जी ही मालूम होती है, क्योंकि समानता बहुत ज्यादा है। इसलिए जिथे फर्क रहिंदे ने रहिंदे होए भी बहुत ज्यादा समानता एक रूपता होवे उत्थे बिंब प्रतिबिंब का भाव समझिया जाता है, ते दृष्टांत अलंकार सामने उभर के आता है भाई। ठीक है, बिंब प्रतिबिंब का भाव होगा। और एक चीज होर सिर्फ समझाने लिए दस रहे हैं, पहला लैन दी हुए थले उदाहरण जा वरत्या हो बस, क्योंकि उदाहरण अलंकार अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए वो इस तो वखरा है, पर चेते रखने लिए। काम करद्या करद्या पुस पैंदा, मूर्ख आदमी होंदे सुजान वेखो। लो जी, दृष्टांत जिथे दृष्टांत पेश किया जाए, बस दृष्टांत जिस विच दृष्टांत पेश किया जाए वह दृष्टांत है। बिंब प्रतिबिंब भाव जे थोड़ा सिद्धांतक रूप च अगर आप लिखिए तो शब्द के रूप से इस गल कहना हो बिंब प्रतिबिंब भाव जिथे दृष्टांत उभर के सामने आए, दृष्टांत अलंकार है। पढ़ते ही तो पता लग जाएगा, तुम भी पढ़ोगे तो पता लग जाएगा भाई इतने बी ना तो परास है ना ही उपमा है, इतने गल ही की कहते दृष्टांत पेश किया गया, दृष्टांत होगा। काम करद्या करद्या पुस पैंदा, पुस पैंदा मूर्ख आदमी हुंदे सुजान वेखो। आदमी हुंदे सुजान वेखो, कस कस के सैल दी टिकड़ी ते, टिकड़ी ते रस्सी नाल भी हुंदे निशान वेखो, रस्सी नाल भी हुंदे निशान वेखो। देखो हुण दृष्टांत देखो कैसे पेश किया गया कि काम करद्या करद्या पुस पैंदा, मूर्ख आदमी हुंदे सुजान। काम करदे करदे जिहड़े मूर्ख आदमी है वह भी सुजान हो जाते हैं भी। और इहदा जे हिंदी वर्जन देखिए तो करत करता अभ्यास के जन्मति हुए सजान, नर्सरी आवे जात के सिलपल सिलपल पड़त निशान। इहदा पंजाबी वर्जन काम करद्या करद्या पुस पैंदा, बंदा मूर्ख मूर्ख आदमी हुंदा सुजान। काम कर करके अभ्यास कर करके मूर्ख बंदा भी सुजान हो जाता है। ओवे ही जिहड़ी रस्सी है ओ रस्सी पत्थर दे उत्ते कस कस के निशान पा देंदी है, ओवे निशान नहीं पैंदे। तुसी वेख्या होना खूह उत्ते जदों पानी भरदे सी पुराने समय के अंदर, खूह अंदर पानी भरदे सी सारे रस्सी लैके जाया करदे सी, और उस रस्सी नाल की कहिंदे आ कि खिंचया करदे सी, रस्सी नाल पानी खिंचया करदे सी लगातार सारा पिंड की कहिंदे आ कि जदों वह रस्सी नाल खिंचया करदे सी तां उत्थे निशान पै जाया करदे सी, पत्थर भी कस जाया करदा सी, पत्थर भी कस जाया करदा सी। अगर किसी ने भाई या तां सीन देखिया होवे या पिंडा विच डिगिया होया करदिया सी उंदी साइड अगर देखी होवे छोटे होंदे समय, तां जिहड़े 20-25 साल दे आ उन्हां दे नहीं जिहड़े मेरे हाण दे आ उन्हां ने जरूर ये अनुभव किया होना है भाई। हुण इत्थे देखो दृष्टांत किन्ना सोहना पेश किया है भाई, अभ्यास कर करके अभ्यास मूर्ख आदमी सुजान हो जाता है। एवें वह वट ते पानी कढ़दे कढ़दे रस्सी है जिहड़ी, रस्सी पत्थर उत्ते पै पै के निशान पा दिंदी है, बिंब प्रतिबिंब भाव है जो प्रगट होया है। अगे कबीर साकत संग ना कीजिए, साकत माने बुरा आदमी, कबीर साकत संग ना कीजिए दूर हो जाइए पाक, बासन करो परसिए तो कुछ लागे दाग।
कबीर कहते हैं कि बुरे आदमी का संग ना करो भरावा, बुरा होवेगा भज जाएगा तुहाडे नाल माड़ी होवेगी। बासन कारो परसीए काले भांडे नूं छूण ना, काले भांडे नूं छूण नाल तुहाडे हत्थां दे विच कालख लग जाएगी। दृष्टांत किन्ना सोहना पेश किया कबीर जी ने कि बुरे आदमी का जे संगत करोगे तुहानूं नुकसान होवेगा, और एवं कालक है जिहड़ा कालक, कालक दे भांडे नूं छूओगे तुसीं तां फिर तुसीं एवें समझो कि भाई मेरे कालख ना लगे। नहीं, कालख लगे बगैर नहीं रह सकदी। एवें बुरे बंदे नाल रहण नाल बरियाई ना आवे आ नहीं हो सकता भाई। किन्नी ज्यादा दृष्टांत किन्ना जबरदस्त पेश किया है भाई। ओ सिल पत्थर मूर्खता तिख बुद्ध किन्ने सोहने बिंब प्रतिबिंब है जेड़े ओ उसारे ने कबीर साहब ने। अगे मानख जन्म दुलंब है होत ना बारंबार, मानख जन्म दुलंब है होत ना बारंबार, अरे मनुखी जन्म बड़ा दुर्लभ है बार बार नहीं होवेगा भाई। दृष्टांत देखो, ज्यो बन फल पाके भोए गिरे बहोर ना लागे डार, ज्यो जिवें एक बार फल पक जावे और पक के जे थले गिर जावे, तुसी जिन्ना मर्जी जोर ला लो फैविकोल नाल चपका लो कि वो फल दोबारा बूटे नाल लग जाएगा भाई, वापस लग के पुंगर जाएगा? नहीं लगेगा। यही गल के मानुख जन्म दुलंब है होत ना बारंबार, मनुख का जन्म बार बार नहीं होवेगा। दृष्टांत किन्ना सोहना पेश किया है, किन्ना वधिया दृष्टांत दिता है भाई कि जैवें फलिया हुआ पक जिहड़ा है फल पक के बूटे तो गिर जाए तो वापस नहीं लग सकता, उवें जन्म है जिहड़ा बार बार आपां नहीं लै सकते भाई, दुर्लभ है मानुख देही दे विच। मानुख देही च बार बार आपां मरीए फिर दोबारा मानुख देही च आ जी उवें दी उवें बंदे आ जाण, तां जे उह जिहा कम हुंदा तां अज डुप्लीकेट बड़े हो जांदे भाई, बड़े डुप्लीकेट हो जांदे। ध्यान नहीं है, किन्ने सोहने दृष्टांत दिते है, यह कहे दृष्टांत अलंकार। ते अज आपां दो अलंकार किते है, उपमा ते दृष्टांत। उपमा वेखी उपमा लाता भाई, जिते कोई उदाहरण वर्गी चीज देखी ठीक है, थले बिंब प्रतिबिंब का भाव प्रकट हो गया। जे बिंब प्रतिबिंब नूं ना पकड़ सके तां थले एग्जाम्पल नूं पकड़ लिओ भाई, उदाहरण नूं पकड़ लिया तां दृष्टांत अलंकार आ गया भाई, दृष्टांत अलंकार आ गया। आ सी भाई आज का चैप्टर।